Good morning, student. Today we are going to start our chapter 10, the story of food. Here, we all need food to live. From where do we get food? We get food from both plant and animals. In this chapter, we will learn about the different kind of food we get from plants and animals. We will also learn how the crops grown by the farmer and reachers. तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स कैसे होते हैं और वो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड जो है वो किस तरीके से प्लांट और एनिमल से हमारे तक पहुंचते हैं, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे जो किसान होते हैं वो किस तरीके से खेतों में अनाज को उगाता है। क्योंकि हम सबको ये पता है कि हमें ज़िंदगी जीने के लिए फूड्स की ज़रूरत है। फूड्स फ्रॉम प्लांट्स, सीरियल्स जो हमारे लाइफ में सबसे पहले आता है, सीरियल्स दैट मीन्स वीट, राइस, मेज एंड मिलेट, ऑल आर स्टोर द एक्सेस फूड इन दियर सीड्स। जैसे कि आपको पिक्चर्स में दिख ही रहा होगा, जहाँ पे गेहूँ, चावल, बाजरा, ज्वाइन, ये सबके प्लांट्स दिख रहे हैं और इनके बंच में खूब सारे सीड्स लगे हैं जिसमें उनके एक एक दाने हैं। द ऑल सीरियल्स विच स्टोर द एक्सेस फूड इन दियर सीड्स, दिस सीड्स आर कॉल्ड ग्रेन। वी ईट दिस ग्रेन लाइक वीट इज यूज फॉर मेकिंग चपाती, ब्रेड एंड केक। आप सबको पता है वीट को हम किस लिए यूज़ करते हैं, रोटी बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए और केक बनाने के लिए। राइस जो है उसे बॉयल किया जाता है और फिर उसे खाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग इडलीज एंड डोसास। आप सबको फेवरेट होगा इडली और डोसा खाना। ये राइस जो है इडली डोसा बनाने के लिए भी यूज़ होता है। इवन साउथ में इडली डोसा उनके मेन कोर्स में ही आता है। अब बात करते हैं वेजिटेबल्स की। वी ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ। वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ एंड कुक्ड। वी ईट डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट एज वेजिटेबल, फॉर एग्जाम्पल टर्निप दैट मीन्स शलगम, कैरेट दैट मीन्स गाजर, रेडिश दैट मीन्स मूली, ऑल आर रूट ऑफ द प्लांट्स, वी ईट देम। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जिनको एज अ रॉ वेजिटेबल हम खा सकते हैं। हम पका के भी खा सकते हैं, इवन उसे कच्चा भी खा सकते हैं। तो एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा, गाजर, शलगम, रेडिश, बीटरूट भी इसमें आ जाता है जिसको हम कच्चा सलाद के रूप में खा सकते हैं। इन सब के अलावा हम अंडरग्राउंड स्टेम्स भी खाते हैं किसी किसी प्लांट्स के, जस्ट लाइक ऑनियन, जिंजर, पोटैटो आर द सम अंडरग्राउंड स्टेम दैट वी ईट। अंडरग्राउंड स्टेम का मतलब होता है जो ज़मीन के नीचे उगता है। उसमें क्या क्या आ जाएगा, प्याज जिसे हम इंग्लिश में अनियन कहते हैं, पोटैटो आलू और जिंजर मतलब अदरक। इनके अलावा कुछ कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके हम लीव्स को खाते हैं, यानी उनके पत्तों को खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैबेज यानी पत्ता गोभी, स्पिनच यानी पालक, मिंट, मिंट का मतलब आपने देखा होगा पुदीने का पत्ता, मेथी, ये सब पत्ते आप लोग जानते हैं घर में यूज़ भी होते हैं और यहाँ पिक्चर्स में भी आपको दिख रहा होगा। दिस ऑल प्लांट्स और द प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स, इनके हम किसको एडिटेबल लेते हैं, इनके लीव्स को। डू यू नो कॉलीफ्लावर इज़ अ फ्लावर, कॉलीफ्लावर मतलब होता है बंधा गोभी, फूल गोभी, ईटन एज अ वेजिटेबल, फूल गोभी को वेजिटेबल के तौर पे सब्जी में खाया जाता है। टमाटो एंड ब्रिंजल विच वी ईट एज अ वेजिटेबल आर फ्रूट्स, पर इसी के कॉन्ट्राडिक्टरी में हम ये कह सकते हैं कि जो बैंगन है या जो टमाटर हम खाते हैं इनको वेजिटेबल बोला तो जाता है, पर इनकी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी आता है
फ्रूट्स में। ये थोड़ा सरप्राइज करने वाली चीज़ है बट स्टिल इट इज़ अ ट्रूथ कि जो टमाटर और बैंगन है वो फ्रूट है। इसके अलावा और एक मेन चीज़ आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूट जैसे हो गया पियर, एप्पल, बनाना, मैंगोज, पाइनएप्पल एंड ऑरेंजेस, ऑल आर कमाइंडली कॉल्ड फ्रूट्स एंड दिस फ्रूट्स आर वेरी टेस्टी। फ्रूट ग्रो फ्रॉम द फ्लावर ऑफ द प्लांट। यहाँ आपको सारे फ्रूट्स दिख ही रहे होंगे, बनाना है, पियर्स हैं, मैंगो भी है, पाइनएप्पल है। ये सारे फ्रूट्स रिच ऑफ प्रोटीन, विटामिन एंड न्यूट्रिशंस होते हैं और सीजनल फूड खाना बहुत अच्छी बात होती है। अब आते हैं हम स्पाइसेस पे। वी गेट स्पाइसेस लाइक चिली, क्लोव, ब्लैक पेपर, क्यूमिन, जिंजर एंड टर्मरिक फ्रॉम प्लांट्स। ये कुछ स्पाइसेस हैं जिनके बिना खाना जो है वो कहीं ना कहीं अधूरा होता है और ये बेसिकली स्पाइसेस इसलिए मिलाया जाता है जिससे कि वो फूड को काफ़ी टेस्टी बना सकें। तो ये कुछ सीजनल फूड्स हैं, सीजनल मतलब 12 महीने मिलता ही है, चिली, क्लोव्स, ब्लैक पेपर, क्यूमिन, जिंजर एंड टर्मरिक। आप अपने किचन में इसको देख सकते हैं। इन सभी के अलावा ऑयल भी है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है खाना बनाने के लिए। वी गेट ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक द ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड कोकोनट। इन सब की पिक्चर्स आपको दी हुई है बुक में। ग्राउंडनट यानी मूंगफली, मस्टर्ड, सरसों, सनफ्लावर सूरजमुखी के बीज आते हैं जिसमें से तेल निकाला जाता है, और कोकोनट यानी नारियल का तेल। नारियल का तेल बालों के साथ साथ खाने में भी यूज़ होता है, उसको और ज़्यादा फिल्टर किया जाता है, उसके बाद उसको खाने के काम में लाया जाता है। तो ये सारे ऑयल्स हैं जो कि कुकिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इनको एज एडिटेबल ऑयल्स भी कहा जाता है। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ देखिए, आपका पास एक वर्क है कि यू फाइंड आउट द नेम ऑफ द कुकिंग ऑयल योर मदर यूज, ऑल्सो फाइंड आउट द ब्रांड नेम ऑफ द ऑयल दैट यू पुट इन योर हेयर। ये दोनों काम कर सकते हैं कि किचन में कौन कौन सा तेल यूज़ होता है वो देख सकते हैं, और जो हेयर ऑयल है वो कैसे कैसे डिफरेंट कंपनी प्रोवाइड करती है, क्या क्या एक्सट्रैक्ट के साथ, ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आता है मेडिसिनल प्लांट। व्हेन वी आर सिक आवर एल्डर गिव अस मेडिसिन। जब बीमार होते हैं तो हमारे जो बड़े होते हैं वो हमको मेडिसिन देते हैं। सो डू यू नो दैट वी गेट सम मेडिसिन फ्रॉम द प्लांट्स। तो आपको ये पता ही होगा कि हमको मेडिसिन जो मिलता है वो प्लांट से मिलता है, और जिस प्लांट्स को क्या बोलते हैं, मेडिसिनल प्लांट कहा जाता है। जैसे मुलेठी हो गए, जूस ऑफ तुलसी हो गया, ये सारे कफ एंड कोल्ड पे यूज़ होता है। इसके अलावा धतूरा जो है उसके लीव्स और सीड्स को भी यूज़ किया जाता है जिससे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी खतरनाक बीमारी जो है उसको क्योर करते हैं। तो अलग अलग बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, कॉमनली धतूरा, तुलसी, नीम जो है वो घर में पाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं जिसके हेल्प से हम मेडिसिन बना सकते हैं, और कुछ घरेलू इस तरीके से उपचार भी चलते हैं जिसको हम अलग अलग बीमारियों के लिए यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली मेडिसिनल टर्म्स है प्लांट का। वी यूज़ द लीव ऑफ सीड ऑयल ऑफ नीम टू क्योर फीवर। इसके अलावा हम नीम के सीड्स ऑयल को भी यूज़ करते हैं फीवर से ठीक होने के लिए। वी टेक द फ्रूट ऑफ द आंवला टू क्योर कॉन्स्टिपेशन, एंड वी टेक ऑयल ऑब्टेंड फ्रॉम द लीव्स ऑफ यूकेलिप्टस to cure nose and throat disorder. हम कुछ एक फ्रूट्स हैं, आंवला, आप सबको पता है आंवला के जूस बनते हैं, आंवला का कैंडी भी आता है, ये सारे हेल्थ के लिए बहुत यूजफुल हैं और इससे कॉन्स्टिपेशन जो है वो भी ठीक हो जाता है। और इसके अलावा जो इसका ऑयल है, आंवला का जो ऑयल है, फ्रॉम द लीव ऑफ यूकेलिप्टस, ये दोनों को मिला के इससे बेसिकली नोज एंड थ्रोट के जो डिसऑर्डर है उसको ठीक किया जाता है। इसके अलावा हम टर्मरिक यानी हल्दी का पाउडर भी यूज़ करते हैं,
कहीं कटने पे या मोच आने पे हम हल्दी का यूज़ करते हैं, घी में डाल के गर्म करके यूज़ करते हैं, हल्दी वाला दूध लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेडिकल टर्म्स पे हम यूज़ करते हैं, जिसको हम घरेलू उपचार भी कह सकते हैं। डू यू नो क्विनाइन इज़ अ क्योर ऑफ मलेरिया। क्विनाइन जो है उससे मलेरिया ठीक हो जाता है। एंड दिस मेडिसिन इज़ ऑफ्टन फॉर्म, ये क्विनाइन जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है मलेरिया को क्योर करने के लिए। जिनको ना प्लांट का जो बार्क होता है, जो तना होता है, उसे से मोटा सा छाल निकाल के उसको पीस के ये दवाई बनाई जाती है मलेरिया, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जो मच्छर के काटने से होता है। और इसलिए ये कहा जाता है कि मच्छरदानी का यूज़ करो, घर पे नेट लगाओ। ये सब किस चीज़ के लिए होती है, जिससे मलेरिया को हम या मच्छर को हम आने के लिए रोक सके और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी जो है वो हमको ना हो पाए। पर उसका उपाय भी है, क्विनाइन मेडिसिन जो है वो है। और ये किससे बनता है, जिनको ना प्लांट्स के बाग से बनता है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। वी विल गो टू द पार्ट 2 इन द नेक्स्ट क्लास।